हाय हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइस अप लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग है और इसके लिए हमने सिर्फ एक ही मसाले का यूज़ किया हुआ है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैं अब 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं तमाल पत्र को ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का सा छिटक जाए फिर मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज को कट करके रखा हुआ है, जिसे मैंने लंबा लंबा कट किया है, तो उसे ऐड कर देंगे। दोस्तों, इसे हम लेफ्ट ओवर रेसिपी भी कह सकते हैं, कभी हमारे राइस बच जाए तो वह राइस से भी हम ये रेसिपी ज़रूर बना सकते हैं। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सौते करना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज का मैंने कैप्सिकम लिया था, जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं, उसे ऐड कर दूंगी। कैप्सिकम को भी हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रहे इस तरह से हमें इसे सौते करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमें सारी सब्जियों को सौते कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर को ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं और जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसे ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। हमारा तमाल पत्र हम एक्स्ट्रा है तो निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी सारी फ्लेवर हमारे सब्जी में आ चुकी है। अब आई मेन इंग्रेडिएंट्स की बारी। जी हाँ, ये है पाव भाजी मसाला। दोस्तों, मैंने 3 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला लिया हुआ है और बस यही मसाला हम ऐड करने वाले हैं। हमें और कोई मसालों की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 कप बॉईल किए हुए राइस ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी नमक पहले से डाल दिया है। सो अब मैं और एक्स्ट्रा नमक इसके अंदर ऐड नहीं करने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। बस 2 मिनट हमें और इसे कुक होने देना है, ताकि सारे मसाले राइस के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाए। दोस्तों, आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो या लंच या डिनर में भी बना सकते हो। वेजिटेबल में आप अपने हिसाब से और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो। तो हमारा तवा पुलाव अब रेडी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।